दोस्तों, एक तीर से दो निशाने किस तरीके से लगाने चाहिए ये भारत से आज पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। असल में कुछ दिनों पहले कनाडा ने भारत से रिक्वेस्ट की कि कनाडा में एक इम्पोर्टेंट समिट होने वाली है जिसमें भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी को भेजा जाए, लेकिन भारत ने सही स्टेप लेते हुए न सिर्फ NSA की एंट्री को रोका है बल्कि कनाडा का नाम लेते हुए उन सभी पश्चिमी देशों को लताड़ दिया जो कि भारत पर लगातार टिप्पणियां कर रहे थे और अभी तक किसी भी देश ने भारत पर मुंह तक नहीं खोला है। दूसरी खबर स्पेन से सामने निकल के आ रही है जहां पर स्पेन के प्रेसिडेंट अब भारत विजिट पर आए हैं। भारत करीब 18 सालों बाद इनकी ऑफिशियल विजिट की गई है जो कि भारत के लिए साथ ही साथ स्पेन के लिए काफी इम्पोर्टेंट जीत हो सकती है। तीसरी खबर ईरान से सामने निकल के आ रही है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की तबीयत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी है और इसके बाद ईरान के अंदर आपको कई पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चौथी इम्पोर्टेंट बेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है जहां पर जानी मानी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अब अपनी अमोघा 3 एंटी टैंक मिसाइल को उस तरीके से तैयार करना शुरू कर दिया है जिससे इसे इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके। ऑलरेडी भारतीय हथियार 85 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और अब ये मिसाइल भी इसमें शामिल हो जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा से आ रही अपडेट की बात की जाए तो सिर्फ एक महीने के भीतर भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक वॉर हमें देखने को मिली है इससे कई सारे चेंजेस हुए हैं। जब दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए उसके बाद फाइव आईज कंट्रीज ने भारत की इन्फॉर्मेशन शेयर की और लगातार सब देशों ने भारत पर टिप्पणियां की और सबने एक तरीके से कनाडा का ही साथ दिया। जहां अभी तक अमेरिका खुलकर के भारत का सपोर्ट कर रहा था उसने भी कनाडा का साथ देना शुरू कर दिया और अब कनाडा की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि यहां पर एक समिट होने वाली है रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए जिसमें भारत एज अ मीडिएटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में इग्नोर कर दिया कि हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। जब हमारे बीच किसी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, किसी भी तरीके के बायलैटरल रिलेशंस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से आपकी समिट में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा कनाडा ने रिक्वेस्ट की कि भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी को यहां भेजा जाए। अब ये कनाडा की एक इम्पोर्टेंट चाल हो सकती है, हो सकता है वहां पर इनके ऊपर कई प्रकार की टिप्पणियां की जाए, इनके ऊपर किसी भी तरीके की अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी लास्ट 2 महीने पहले अमेरिका जाने वाले थे जस्ट एक दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री इन सभी ऑफिशियल्स पर अमेरिकी कोर्ट में एक मामले को ले जाया जाता है। अब वैसे तो इस मामले को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, इसके बावजूद भी हाईलाइट्स पाने के लिए ये सारी चीजें अमेरिका और कनाडा मिलकर के करते हैं और अब जब कनाडा की रिक्वेस्ट भारत के सामने आई तो भारत ने इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस स्टेटमेंट से भारत ने ये तक क्लियर कर दिया है कि आप पश्चिमी देश किसी के सगे नहीं है और आप समय पर किसी का साथ भी नहीं दे सकते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर आप रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसमें रशिया को तो आपको सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए था। भारत तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाता लेकिन रशिया का यहाँ पर आना जरूरी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही दो देशों के बीच में है और जैसे ही भारत की ये बात सामने आती है इन देशों को मिर्ची लग जाती है। बाकी आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दो देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं जब तक वो एक दूसरे के आमने सामने आकर के कोई समाधान नहीं निकालेंगे तब तक इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका नहीं जा सकता। बाकी वैसे भी ये देश ब्रिक्स समिट से चिढ़े हुए हैं और इनका चिढ़ना जायज है। आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो भारत और यूरोप से सामने निकल के आ रही है जहां स्पेशली स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले जर्मनी, उसके बाद फ्रांस और तमाम यूरोपीय देशों में भारत की विजिट होती है, यहां से लोग भारत आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, आज भारत एक ऐसे सेंटर में आकर के खड़ा हो चुका है जहां पर चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज सभी भारत के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ समय पहले और कुछ सालों पहले तक ये तमाम यूरोपीय देश चाइना के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिससे अब इन्हें ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने मल्टीपल फैक्ट्रीज चाइना के अंदर सेटअप की ताकि इनके देश के अंदर पॉल्यूशन ना हो सके। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की माइनिंग, अलग अलग प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सब चाइना के अंदर सेटअप की गई और अब चाइना ने इनका बल्क प्रोडक्शन करना चालू किया तब इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और अब यूरोपीय देश लगातार चाइना पर सैंक्शंस लगा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की बढ़ती इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्हें चाहिए अल्टरनेट और वो है भारत, क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर किसी देश को नहीं चुन सकते। जब तक उस देश की अर्थव्यवस्था ना बढ़ रही हो, उस देश के पास लैंड ना हो, उस देश के पास स्टेबल गवर्नमेंट ना हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उस देश के पास एक बड़ी लेबर फोर्स होनी चाहिए और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इस समय भारत के पास है। इसीलिए ये मल्टीपल कंट्रीज भारत के अंदर विजिट कर रहे हैं, ऐसे लुभावने ऑफर भारत को दे रहे हैं
हैं ताकि भारत किसी भी कीमत पर इनके ऑफर्स एक्सेप्ट कर ले। और भारत ने मेजरली सभी ऑफर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं बिकॉज इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ने वाली है। जर्मनी की तरफ से भारत को सबमरीन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का ऑफर दिया गया, भारत ने एक्सेप्ट किया। यहाँ जहाँ पर भारत के प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट में TKMS जर्मनी की थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम पार्टिसिपेट करेगी। और अब स्पेन भी इस रेस में पीछे नहीं छूटने वाली है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन के राष्ट्रपति भारत इसीलिए इस विजिट को कर रहे हैं ताकि इस डील में स्पेन को भी पार्टिसिपेट बनाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत हम सिर्फ 6 सबमरीन तैयार करने वाले हैं जिसमें स्पेन और जर्मनी किसी भी एक देश को कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 50-50% मिल जाए, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है। लेकिन 2020 में इंडियन नेवी इस बात की अनाउंसमेंट करती है कि भी भारत को अराउंड 24 सबमरीन की जरूरत है। अब ये एक काफी बड़ा मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आने वाली है जिसमें ये दो पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी के चांसलर, स्पेन के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं। ये सिर्फ 6 सबमरीन का गेम नहीं है। और अब शायद आप ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत को स्पेन या फिर जर्मनी की तरफ किस तरफ जाना चाहिए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो फाइनली ईरान पर इसराइल की तरफ से बदला लिया जा चुका है। अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सारी चीजें प्री प्लान करके ली गई ताकि दोनों देशों को नुकसान न हो और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। द रीजन इज कि अगर दोनों देशों के बीच में किसी भी तरीके का वॉर स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस बढ़ेंगे और इससे अमेरिका तक को नुकसान हो सकता है, जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, इकोनॉमी का आता पता नहीं है और ऐसे में नुकसान झेलना अमेरिका के इलेक्शन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसीलिए इन चीजों को स्ट्रेटजिकली रोका गया है। लेकिन इसी बीच ईरान से खबर सामने निकल के आई जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी, जो कि अभी करीब 85 साल के हैं, इनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। और अब इसी चीज की वजह से यहाँ पर एक नया डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे ही इनकी बीमारी की खबर सामने आते हैं उसके बाद ईरान के उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही है जिसमें इनके दूसरे बेटे का नाम सबसे आगे है। अब ऐसा भी नहीं है कि ईरान की सिर्फ यही फैमिली ईरान पर रूल करना चाहती है, बल्कि कई और फैमिलीज हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो भी ईरान पर इसी तरीके की कंट्रोल चाहती हैं। और इसीलिए अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज सभी के बीच में एक खींचतान शुरू हो चुकी है कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा या फिर खमेनी के ही बेटे यहाँ पर उत्तराधिकारी बनेंगे। ये सारी चीजें अब एक कोल्ड वॉर शुरू कर सकते हैं ईरान के अंदर। आने वाले समय में सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी और आने वाले जो भी मेजर अपडेट्स होंगे वीडियोस में हम आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत की जानी मानी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अनाउंसमेंट की कि भारत की तरफ से जो तैयार की गई अमोघा 3 एंटी टैंक मिसाइल है, अब इसे उस स्ट्रेटजी और उस क्वालिटी के हिसाब से और उन इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है जिससे अब इसे डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जा सके। ऑलरेडी आर्मेनिया, इजराइल, अफ्रीका और तमाम ऐसे देश जो कि भारत से हथियार इंपोर्ट करा रहे हैं, अराउंड 85 ऐसे कंट्रीज है जो कि छोटे बड़े कॉम्पोनेंट्स और हथियार भारत से इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन भारत लगातार अपनी इस रेंज को बढ़ा रहा है और अब भारत की ये मिसाइल जल्द ही कई देशों में आपको एक्सपोर्ट होती हुई नजर आएगी। अगर इस मिसाइल की डिटेल्स की बात की जाए तो अमोघा 3 की रेंज करीब 2000 मीटर की है और इसका वजन करीब 10 किलोग्राम का है। इस मिसाइल में लेजर गाइडेड सिस्टम लगाया जा सकता है और इसकी सटीकता बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, यानी कि दुश्मन को बहुत ही सटीक तरीके से यह मार सकती है। इसमें हमारे मेजर कस्टमर हो सकते हैं दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कई देश। फिलहाल अभी अनऑफिशियली बातचीत शुरू हो रही है, जैसे ही ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होगी डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन सबके सामने आ जाएगी। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।